जो सामने वाली टीम से खेल रहा था लेकिन हमारे लिए खेल रहा था। YouTube चैनल में मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं जिम के लिए, हमारी ब्लैक कॉफी हो गई और मल्टीविटामिन की भी एक गोली खाली ही पेट। कल रात को बास्केटबॉल खेल के आए, फिर प्रोटीन वगैरह पी लिए, लेकिन फिर रात में भूख लगने लगी तो थोड़ा सा चावल और भाजी खा लिया, तो थोड़ा ही खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए थे, ये अच्छी चीज़ हुई। और दूसरी चीज़ हुई भाई, कल बास्केटबॉल खेला ना, पैर में ऐसा दर्द हो रहा, पैर से नहीं खेलते लेकिन पता, लेकिन भागना तो पड़ता ही है ना भाई, तो हाथ और पैर में ऐसा दर्द हो रहा, पीठ में और सर में भी दर्द हो रहा बड़ी दिक्कत है यार, क्या बताऊँ। चलो अभी जिम चलते हैं, और कोई उपाय भी नहीं है। तो भाई हमारा जिम हो चुका है ख़त्म। कल बास्केटबॉल खेला था ना तो चेस्ट भी अच्छा हैवी मारा था, तो चेस्ट में पेन हो रहा, और एक साइड वाला लेग है ही हमारा पेन के लिए तो बना ही है, उसमें दिन भर ही पेन होता है। अभी एक अंकल आए थे रोटी डालने, यार रोटी को ऐसे वो खड़े हैं, दिख रहे हैं ना, तो रोटी को ऐसे वो खड़े हैं रोटी को ऐसे फ्रिजवी की तरह फेंक दिए है ना, सोचे कि कुत्ते खा लेंगे, कुत्ते के भाई स्टैंडर्ड बढ़ गया, आजकल रोटी नहीं खाते अंडा खाते समझे, ऐसे कुत्ते को फेंक दिया, कुत्ता नहीं खाए लेकिन गाय खा ली समझे। अब चलते हैं घर क्योंकि दर्द हो रहा बहुत तेज। तो आज भाई हमने लगाया था जुगाड़ कि अंडा छील भी ले और उसके छिलके साथ अंदर हिस्सा बांधना है, तो हमने नींबू भी डाल दिया था, और नींबू डालने का सर एकदम प्यार से छिलका अलग हो गया। हमने अपना अंडा खा लिया, वीडियो एडिट करके अपलोड के लिए लगा दी, सॉरी कि आज डिले हो गई, अगर नहीं देखो तो देखो, उसमें हमने डिटेल से बताया कि पीआर स्टंट्स आप कैसे फेमस हो सकते हो, एक सिंगल ट्वीट चाहे वो सही हो या गलत, जो आपको पता भी ना हो पर उसको करते हुए आप कैसे फेमस हो सकते हो, गूगल के लिस्ट में छा सकते हो कि मोस्ट सर्च पर्सन ऑफ द डे, वो सब ठीक है। अभी हमारी काम वाली दीदी आई थी तो मम्मी ने बोला कल कितने बजे आओगे, तो कहती 11, 11:30, 12, 12:30, मम्मी ने कहा चार टाइम मत दो आप, एक बताओ। उन्होंने कहा अरे कभी आपके यहाँ जल्दी आ जाते हैं तो उनके यहाँ देर से चले जाते हैं, कभी उनके यहाँ देर से चले जाते हैं, आपके यहाँ जल्दी आ जाते हैं। तो मम्मी ने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा ज़्यादा घर लिए ना इस कारण करना पड़ता है। तो अभी क्या हुआ, मंथन भाई का फ़ोन आया कि आज वो बास्केटबॉल खेलने नहीं जा पाएगा, तो मेरे अंदरूनी एकदम खुशी कि हाँ भाई बच गए, बच गए भाई, वैसे ही ऐसा दर्द हो रहा है चेस्ट में, आज बैक भाई सब मारा समझ में नहीं आया, चेस्ट और पैर का दर्द बहुत ज़्यादा है यार, क्या बताऊँ। अभी हम देख रहे हैं द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ऐसे ही ना द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया पार्ट 1, और अब देख रहे हैं, आराम कर रहे हैं, अब मिलते हैं चलो थोड़ी देर में, बाय। भाई मम्मी ने हमें दे दी चेतावनी, उनने कहा कि जो ऊपर स्पीकर तुम्हारे कमरे में रखा है जो आपको दिखाया था वो नीचे यहाँ ले आके रख दो, नहीं तो तुम्हें आज खेलने नहीं जाने दूंगी। मैंने मन में सोचा मम्मी क्या आप भी लेट हो गई, मेरे को मंथन ने पहले ही फ़ोन करके बोल दिया था कि आज खेलने नहीं जा पाएंगे। मम्मी का प्लान सक्सेसफुल, प्लान बनने से पहले ही अनसक्सेसफुल हो गया इनडायरेक्टली। तो अभी हम थोड़ा जा रहे हैं सोसाइटी में घूम के आएंगे, क्योंकि थोड़ा साइकिल पे पैडल मारेंगे तो हो सकता है पैर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, और थोड़ा क्रीम लगाए हैं तो देखते हैं क्या होता है, दर्द तो हो रहा है। मौसम एकदम सुहाना हो रहा है, देखो मस्त हरियाली हरियाली, अभी दी स्क्रीन में थोड़ा समझ में नहीं आता ना, तो किधर से क्या उंगली का दिखाना है वो समझ में नहीं आता, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। चलो अब बंद करते हैं, लोग ऐसा देखते हैं कि जैसे पागल हो गया फ़ोन में बात करते हुए। तो भाई हम लोग इधर आए हैं क्रिकेट देखने, खेलने तो नहीं आए पर ये हमारे यश भाई का फोन, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं जो जियो चटका के जाते हैं बताओ, 4:35 आ जा, ये वो इंसान है जो अकेले क्रिकेट खेलने आ जाता है, बुलाता भी नहीं मंथन। तो भाई हमें मंथन भाई ने बचाने के लिए एकदम, हम बैटिंग कर रहे हैं हमारे पैर में लगी है, तो हमारे रनर ने मंथन भाई तो हमें बचाने के लिए उन्हें डाइव मार दी, और हमने एकदम मस्त चीज करी, मेरे पास बॉल आई कैच के लिए, तो हमने अंगूठा दिखा दिया और वो अंगूठे साथ ले भी गई। ऐसे टैलेंटेड भाई बंदे बहुत कम होते हैं, भगवान ने सिर्फ हमें ही बनाया ऐसा टैलेंट, रिकॉर्ड करना चाहिए, सही बोल रहा, और हमारा टैलेंट चिल्लाना बंद कर कटोरा का, ये देखो हमारा आदि भाई, हाँ भाई कटोरा कटतो है, बस मशरूम नाम है उसका है ना क्या भाई वो स्कूल कट होता ना वैसे। तो भाई हमारे बॉलर ने 3 ओवर बॉलिंग कर दी, डिलीवर कर दिया 18 बॉल, और अभी 4 ही बॉल हो रही हैं, सॉरी अब 5 हो गई, नहीं ओवर ही खत्म हो गया। चेहरा दिखाओ इन्हें, चेहरा क्या दिखाएं बेचारी, किस्मत ही खराब है, पहले फुल आर्म डालते डालते अंटे पे आ जाता। तो ये अपने प्रथम भाई है बैटिंग कर रहे हैं, और ये स्टांस में, और ये शॉट चौका, ओबे भाई
और ये फील्डिंग कर ली शक्ति ने, और ये मंथन भाई जिन्होंने डाइव मारी थी पिछली बार। तो भाई हम लोग मैच जीत चुके हैं, यश भाई ने 3 लगातार छक्के मारे, आखिरी में तो 9 बॉल भी हो गई थी, पर क्या आप तो जीत ही गए, कुछ नहीं। आदित्य तुम इसको जानती हो क्या? भाई जो सामने वाली टीम से खेल रहा था लेकिन हमारे लिए खेल रहा था। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो भाई हम लोग इधर बैठे हैं, मैं, मंथन, आदि, अथर्व और शक्ति गेम ऑफ लाइफ खेल रहे हैं। चार ही लोग खेल सकते हैं तो हम दोनों एक टीम में खेल रहे हैं। हमने किसान बनने का ट्राई मारा, नहीं किसान बन गए हम, एकदम एकदम रूट जो देश भाई, हम किसान के पैसे भी मिल गए। हाँ। 80 रुपए। ये इसने किसान का पैसा चुराया। अभी वापस पैसे वसूलने में तो दिख ही नहीं रहा भाई, गजब बेइज्जती है। तो भाई अभी हम लोग घर पहुंच चुके एकदम लंगड़ाते लंगड़ाते, और कैच वो हो गया था तो उंगली पे लग गई, तो उसमें भी सूजन आ गई थोड़ा। कोई नहीं, तो अभी हम खा रहे हैं कढ़ी, आलू की कढ़ी और रोटी खा रहे हैं क्योंकि अभी भूख लग रही। अभी नहीं खाऊंगा, भले प्रोटीन पी लूँगा, पर रात में तो भूख लगनी है क्योंकि आज सुबह भी देर से सो के उठा था, भूख तो लगनी ही है, तो मैंने सोचा अभी ही खा लो, बाद में खाने से अच्छा ही है। चलो अब खा पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो हमारे यहाँ बन रहा है लौकी का लौवड़ा। क्या है? लौवड़ा। ये देखो लौकी का लौवड़ा बन रहा। मेरे को आने दे ना। काहे का करोगी, आपको ले आएंगे तो। फिर से आ गई, हो गया ब्लर कर देंगे चेहरा, दिखेगा नहीं किसी को। तो क्या हो गया, माँ का चेहरा नहीं दिखना चाहिए क्या? नहीं दिखना चाहिए। और ये देखो इसका ये रसायन इधर तैयार हुआ है लौकी का।